डॉग के साथ रोमांस कर रहे हैं. एक्चुअली वो डॉग के साथ रोमांस नहीं कर रहा है, डॉग उनके साथ रोमांस कर रहा है. और किस्सा ये है कि ये डॉग जो है ये मेरा है, और मैंने विभू को भी बताया नहीं है कि मैंने घर में कुत्ता रखा है, और उसको कुत्ते से बड़ी नफरत है. तो वो रात में घुस जाता है रज़ाई के अंदर, और फिर उसको पता चलता है कि एक्चुअली कुत्ता है घर में. और विभू बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि बाहर कर दो इस कुत्ते को, नहीं तो मैं चला जाऊँगा बाहर. और अनीता अपने ही स्टाइल में बोलती है तो चले जाओ बाहर. क्योंकि मैं तो कुत्ते को बाहर नहीं कर सकती. वैसे हमने देखा कि सीक्वेंस शूट के दौरान सौम्या को काफ़ी हंसी आ रही थी, मतलब आपको सोने का नाटक करना था बट वो रोमांस की आवाज़ सुन के आपको काफ़ी हंसी आ रही थी. हाँ, फनी शूट करने का ये पूरा एक्सपीरियंस. हाँ, बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि एक्चुअली विभू को लग रहा है कि वो मतलब कुत्ता जो है वो जो सहला रहा है उसको, वो गाल पे आ रहा है उसको, वो मैं हूँ. How can he feel that it is me? कुत्ता इतना हैरी होता है. तो मैं उस बात को सोच सोच के हंस रही थी कि विभू ये सोच भी कैसे सकता है कि ये मैं हूँ. ये इतने खुराफाती मर्द हैं ना दोनों इस गली के, मैं कहती हूँ कानपुर की गली के सबसे खुराफाती मर्द हैं. इनको ज़रा भी चैन नहीं है, दोनों कुछ ना कुछ खुराफात हर एपिसोड में करते हैं. अब क्योंकि जो कुत्ता है वो हर उस बंदे को काटता है जो मुझे बुरी नज़र से देखता है, इसीलिए हप्पू सिंह और तिवारी जी तो कट चुके हैं, और तो उनको भी, उनके भी आँख में फूटा नहीं सुहा रहा है वो कुत्ता. और विभू को तो पसंद ही नहीं है, और विभू को तो बाहर सुला दिया है क्योंकि अब वो कुत्ते के साथ सो नहीं सकता, और अनीता कुत्ते को बाहर कर नहीं सकती. तो दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि कुत्ते को सफ़ा चट कर देते हैं. लेकिन फिर एंड में एज यूजुअल द भाभी विंस. थैंक यू. अच्छा सौम्या, एक और बाइट बोलिए. रियल लाइफ में सौम्या को पेट्स कितने पसंद है, स्पेशली डॉग्स? आई लव डॉग्स, बहुत बहुत पसंद है. मुझे तो लगता है कि दे आर बेटर फ्रेंड्स देन मेन आर.